स्वागत करेंगे हमारे परम आदरणीय माननीय श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब विधायक महोदय पधारे और श्री स्वागत सरकार जो है डॉक्टर राधा मोहन दासी अग्रवाल साहब का इस सभा के द्वारा माला के द्वारा बहुत बहुत स्वागत सरकार बहुत बहुत अभिनंदन जो और तालियों के माध्यम से स्वागत सरकार करें बहुत बहुत स्वागत सरकार और ये श्रीमान मदन सिंह जी राठौर साहब का मदन सिंह जी राठौर साहब का प्रदेश अध्यक्ष जो की भारतीय जनता पार्टी के है जिला अध्यक्ष महोदय श्री बोला जनता और मेरा निवेदन आप श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब का स्वागत करने के लिए समस्त भाजपा के जो पदाधिकारी है इसमें से सभा का नाटक स्वागत करें आदरणीय शुभ बाबू का साफा और माला पहना करके स्वागत करेंगे आदरणीय और उनके साथ सारे सरपंच ऊपर मंच को बढ़ा करके और हमारे प्रभारी जिले के प्रभारी हैं और इस को मजबूत करने वाले गोरखपुर से कई बार विधायक रहे हैं और अब हमें राजस्थान के ऐसे शानदार प्रभारी मिले हैं जिनका हम सब मिलकर दोनों तालियों से स्वागत करेंगे। मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसे प्रभारी है जो पूरे राजस्थान के जिलों के दौरे कर रहे हैं, ये खास बात है। अब संगठन मजबूत होगा, आज सबकी आवाज सुनने वाले आपके बीच में है। साथ ही हमें प्रदेश के नए अध्यक्ष जिनका पहली बार झुंझुनू शेखावाटी की इस वीर धरा पर नवलगढ़ में पधारने पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। साथ ही हम सबके लाडले हम सबके प्रिय हमारे साथी विधानसभा में और हमारी झुंझुनू के प्रभारी अविनाश सिंह गहलोत जिनका इतना शानदार प्रेम मिलता है, जब भी हम मिलते हैं तो ये लगता नहीं है कि आप मंत्री हो, ये लगता है कि आप हमारे भाई हो बड़े, ऐसा प्यार देते हो आप संगठन में। और इस संगठन में यूथ लेवल से लेकर के आज तक के काम करने वाले और संगठन का खूब बड़ा अनुभव रहा है जो हमारे प्रदेश के महामंत्री है आज सरवण सिंह जी बगड़ी, हमारे संगठन प्रभारी भी है गोवर्धन जी वर्मा, जिन्होंने जब जब इस झुंझुनू की बागडोर संभाली है तो झुंझुनू ने फतेह की भी है, क्योंकि जमीनी काम करने में आपका बड़ा अनुभव है। और ऐसे ही हमारी पूर्व सांसद प्रदेश की महामंत्री हम सबको प्रेम एक भाई मित्र है, ऐसी बहन है जो प्रेम देती है। आप सबका इस वीर सपूतों की धरा पर इस नवलगढ़ और झुंझुनू की धरा पर पहली बार पधारने पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मैं समय ज्यादा नहीं लेकर के बोलने की इच्छा बहुत थी, बस मैं यही कहूंगा कि नवलगढ़ की जनता जब भी कोई कार्यक्रम की का मैसेज जाता है तो ये जन सैलाब इस बॉर्डर पे टूट पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए करवट कार्यकर्ता। आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जब जब जरूरत पड़ी है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब उपचुनाव होगा तो मान के चलना प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी कि यह नवलगढ़ की सेना यह नवलगढ़ की टीम झुंझुनू को उपचुनाव में फतेह करने के लिए तैयार करी मिलेगी। मैं इतना ही कहकर मैं मेरी भाइयों को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत अभिनंदन जय बाबू के साथ श्री राधा मोहन दास जी अग्रवाल प्रदेश प्रभारी भाजपा आदरणीय श्री कदम जी राठौर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का स्वागत अभिनंदन जय बात आगे के साथ आपकी कट्टर धर्मियों के साथ आदरणीय मान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन और बिना निगम के और आज अपने बीच में विराजमान हमारी राजस्थान के प्रभारी राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल साहब और राजस्थान सरकार के सम्माननीय मंत्री आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब और आपके तेज तरार विधायक महोदय और
भूतों को भी याद करना तो पड़ेगा ना संतोष जी अलावा, और हमारे वर्तमान आदरणीय श्रवण सिंह जी और मैं समस्त अपने मैनेजर जी और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं महानुभाव नौजवान साथियों ये आपका स्वागत तो जोरदार ही किया आपने, इतना शानदार स्वागत किया मुझे तो बहुत विश्वास हो गया जोरदार। तो आपके हृदय की तेज तरार है, बहुत अच्छे अच्छा वक्ता है। तो भाई एक बात कह के मेरी बात को खत्म करो, इन्होंने कहा एक बात एक शर्त है और वो शर्त ये है, इन्होंने कहा कि पहली बार कमल खिला है तो इस कमल को परमानेंट करो, कर दोगे ना। चलो एक बात आपकी सुनी, अब देखो जय, देखो इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने एक बात और कही थी, एकदम सुनो तो सही, पहले सुनो तो सही, मंत्री भी परमानेंट कर दो। इन्होंने कहा अरे दादा मैं जानता हूँ आपको और आपके मन के भाव को भी जानता हूँ, इन्होंने एक बात कही थी कि हम झुंझुनू जिताएंगे, इन्होंने कही थी ना। तो यहाँ अपने आप में एक्सपोर्ट क्वालिटी कौन समझ रहा है कि हम वहां जाकर के काम करेंगे, अरे वाह। चलो तो मैं आपको एक जवाबदारी सौंप रहा हूँ कि झुंझुनू जिताने की जवाबदारी ठीक है ना। बाकी जो आपकी बातें हैं मैं तो कहाँ जाऊंगा, मैं ये प्रभारी जी तो आशीर्वाद देते रहेंगे हमको, लेकिन मैं तो आपके बीच में हूँ ठीक है ना। आपकी भावनाओं का हमेशा